कहाँ से आए हो आप, बाड़मेर क्यों आए हो? सिवाना थाना से आई हूँ एसपी साहब को मिलने के लिए। मेरे साथ घटना ये हुई, हमारे घर पे लोग गाड़ियों लेके घूमते हैं। अशोक कुमार और गोविंद कुमार दोनों हमारे घर पे आते हैं और बार बार धमकियों देके जाते हैं, आपको ऐसे कर दूंगी ऐसे कर दूंगी। और हमारे स्कूल भी हमने छोड़ दिए नमी थक पड़ के। हमारे घर पे दो बहनों हैं और उनको भी धमकियों देते बार बार, उसने भी स्कूलों छोड़ दिए है। और मेरे साथ विशनगढ़ लेके गया, बाद में मेरे साथ गलत काम करने की भी कोशिश की थी। मैंने बोल दिया आपको मैंने बोल दिया नहीं गलत काम कराएंगे। मेरे पास प्रूफ भी मांगा था गोविंद कुमार, मैंने प्रूफ नहीं दिया। मैंने क्यों, मैं वापस आ रही हूँ प्रूफ लेके, आप यहाँ पे ही खड़े रहो। हम विशनगढ़ से उनको मैं पांतरा के घर पे आ चुकी थी। बाद में दो तीन दिन बाद मेरा फोटो और वायरल कर दिए थे सोशल मीडिया पर। बाद में मेरे साथ दल्लाराम पन्नी देवी, ये भी मेरे को बार बार धमकियों दे रही थी, मेरे को स्टॉल देके और पैसा देके। बाद में गोविंद कुमार के साथ मुझे भी वहाँ पे भेजी थी उसने, पन्नी देवी ने। और हरकू देवी मेरा फोटो वायरल किया सोशल वीडियो पर। और अशोक कुमार बाबूजी कुंडल, इसने भी मेरे को धमकियों दी मारने की और पिकम गाड़ी में लेके गई। अशोक मालिक गया था। और आपने मामला दर्ज कराया सिवाना थाने? हमने सिवाना थाना कराया। हाँ, क्या हुआ उसमें, क्या कार्रवाई की? कार्रवाई हमारी कुछ भी नहीं की। वहाँ पे हम सिवाना थाने जाते हैं, नाथू सिंह उन्हें धमकियों देवे बार बार कि आपको ऐसे कर दूंगी, आपको परिवार को थाना में दे दूंगी। बाद में नाथू सिंह हमारे को धमकियों दे और मेरे को कि ऐसा मत बोलना ऐसा मत बोलना, आप ऐसे मत बोलो कि माँ बापा के कहना में ऐसे काम मत करो। मेरे को बोला गलत मुकदमा है, हमारी मेडिकल भी जांच हो सकती थी। और मेरे साथ नाथू सिंह और मारने की भी धमकियों दे दी थी। तो भी आज आज किससे मिलने आए आप? एसपी साहब को मिलने आए। एसपी साहब से मिले? मिली। क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने क्या सिवाने से फाइल यहाँ पे लाएंगे। हाँ, ये कब की घटना है? ये 4 महीना हो गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने हमारी कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ, पुलिस हमारे को मारने की धमकी दे जा रहे हैं। हाँ, आरोपी क्या कह रहे हैं? आरोपी भी कुछ नहीं किया। आरोपी धमकियां दे रहे हैं? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? हम सिवाना थाने से आए हैं। बाद मेरे एसपी साहब से पेश हुए। बात यह है कि हमारी बहन 3-4 महीने पहले घर से उठा के लेके गए थे। उसका नाम है अशोक डाया राम जी और गोविंद बाबूलाल जी, वो सुली बेरा मिठोड़ा के हैं। और उन्होंने हमारी बहन को घर से लेके गए थे। उनके साथ उसकी बुआ पवनी डलाराम और उसकी भाभी हरकू, वो भी शामिल थे। मेरी बहन को जबरदस्ती घर से लेके गए और उसको उमाड़ा लेके गए और उसके बाद विशनगढ़ लेके गए। बाद में उसने उनके साथ गलत काम किया और गलत काम करने की कोशिश की और उसको धमकियां दी कि तू हमारे साथ शादी कर ले, तेरे घर पे किसी को नहीं, तेरे पापा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये कह के उसके फोटो खींचा, उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ फोटो ली और ये भी दबाव दिया कि तू किसी को बता रहा मत, नहीं तो तेरा फोटो ही वीडियो हम वायरल कर देंगे। बाद में वो लड़की मानी नहीं, वो उसको बोला, उसने बोला कि मुझे घर पे छोड़ दो, मैं कर दूंगी। उसको वो लड़की घर पे आई, बाद में मेरी बुआ को बताया कि ये बात है। बाद में हम लोग सिवाना गए, सिवाना पुलिस स्टेशन पे हमने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में 2-3 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो जो लड़के हैं वो अभी तक घर पे चक्कर लगा रहे हैं कि ऐसा करें कि लड़की को जला देंगे, एसिड डाल के मार देंगे। और वो सिवाना थाने पे कोई भी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है और वो बोल रहे हैं कि ये मुकदमा गलत है, ऐसे है, ये आप राजीवा कर दो। और पुलिस की मिली भगत से हमारा कोई भी काम आगे नहीं हो रहा है। आज किससे मिलने आए थे? आज एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने बोला कि इधर से हम लोग जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।